Very good afternoon, everyone. My name is Shubham Singhania, and I am your mentor for this particular subject for marketing management, that is for the position of ESIC Deputy Director. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. दो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट लुकिंग एट नोटिफिकेशन विच आर कमिंग अप, सच एज सेबीज नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी कम अप. वी आर इन टू द फाइनल स्टेज ऑफ सेबी, जहाँ पे इंटरव्यू स्टेज पे स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं जिनका फेस टू क्लियर हो गया है. द RBI नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट, सो हम कभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर की भी नोटिफिकेशन आ सकती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी असेंशियल कि आप लगातार तैयारी करते रहें, बिकॉज फिर क्या हुआ कि अचानक से नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड आपका सिलेबस कवर नहीं होगा. सो ऑन एवरी सैटरडे एट 2 PM आई कवर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव. ऑल्सो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन हैं आप थोड़े से डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द लेवल ऑफ ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोफाइल. ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एंड इफ यू हैव नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज डी ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. एंड हमने एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करी है विच इज मोर कंफर्टेबल, मोर कन्वीनियंट टू द स्टूडेंट, जहां पे आप अपने ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. यू कैन एक्सेस ऑल द लाइव सेशंस विच आर गोइंग ऑन, PDFs एंड एवरीथिंग. सो डू डाउनलोड दिस ब्यूटिफुल एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे इस सेशन का PDF भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, सो दैट यू कैन रीड इट लेटर ऑल्सो. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड एंड हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड आई एक्सपेक्ट कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर भी लिख रहे हैं, एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. स्वच्छ भारत अभियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, विच इज अ मार्केटिंग कैंपेन काइंड ऑफ अ थिंग इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से टाइप ऑफ मार्केटिंग है. तो कौन सा टॉपिक हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, टाइप ऑफ मार्केटिंग. यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट वॉट टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग. इज इट सस्टेनेबल मार्केटिंग. सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होता है, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि जब हम जर्नलिज्म के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट जर्नलिस्ट, हम कहते हैं वी शुड नेवर यूज चीप टैक्टिक्स. चीप टैक्टिक्स क्या होती है कि कुछ बड़ी बड़ी सनसनीखेज चीजें बना दी, बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी न्यूज आप सुनते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी सनसनीखेज न्यूज बना के दिखाते हैं, बट एक्चुअली अंदर कुछ भी रबिश लिखा होता है, इट्स नॉट वर्दी ऑफ रीडिंग इवन. ठीक है, तो सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होती है कि आप इस तरीके का अप्रोच यूज करें मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर, जिसको लोग पसंद करें एंड इट इज गोइंग टू बी देयर विद द कंपनी इन द लॉन्ग रन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमेज आपकी क्रिएट ऐसी हो गई आपके मार्केटिंग कैंपेन से कि कभी आप कुछ इंपॉर्टेंट भी बताएं, कुछ इंपॉर्टेंट भी हेडलाइन दें, पीपल आर नॉट गोना बिलीव इट. ठीक है, सो दैट इज वॉट सस्टेनेबल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, इट शुड बी सस्टेनेबल फॉर द ईयर्स टू कम. ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल मार्केटिंग. सोशल मार्केटिंग मतलब वो मार्केटिंग जो किसी भी सोशल कॉज को प्रमोट करता है, एनी काइंड ऑफ सोशल कॉज. आपने देखा होगा बहुत सारी मार्केटिंग ऐसी होती है जो एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स के ऊपर होती है, या पॉल्यूशन से रिलेटेड होती है, या क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मास्क होती है ताकि कोविड से बचा जा सके. सो ऑल दोज विच आर मेंट टू हैव सम काइंड ऑफ सोशल डायमेंशन आर गोइंग टू बी सोशल मार्केटिंग. थर्ड, सर्विसेज मार्केटिंग. जब आप सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, आपने देखा होगा इंश्योरेंस सर्विसेज को लोग प्रमोट करते नजर आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को लोग प्रमोट करते नजर आते हैं. सो एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, इनटैंजिबल काइंड ऑफ सर्विस दैट दे आर प्रोवाइडिंग, उसको जब प्रमोट किया जाता है, उसकी जब मार्केटिंग की जाती है, तो उसको हम सर्विसेज मार्केटिंग कहते हैं. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप मार्केटिंग. आपने देखा होगा कि बैंक से आपको एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है जिस दिन आपका बर्थडे होता है, दिवाली पे मैसेजेस आ जाते हैं, कभी कभी आपको कॉल्स आ जाते हैं बैंक से, सर आई होप एवरीथिंग इज डूइंग वेल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बैंकिंग रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट अस नो. ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट अ वे टू गिव एन एश्योरेंस टू द कस्टमर दैट ओके द कंपनी इज देयर, कंपनी है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जस्ट अ वे ऑफ बिल्डिंग अ गुड काइंड ऑफ अ रिलेशन, और व्हाट यू कैन से अ काइंड ऑफ रेपुटेशन बिल्डिंग फ्रॉम द फर्म्स पर्सपेक्टिव. तो इसको हम रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं, अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखना. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप. ओके, सो सम स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड आंसरिंग एंड आई होप दैट यू आर वेरी क्लियर दैट द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सोशल मार्केटिंग. क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हम क्लीनलीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज अ काइंड ऑफ अ सोशल कॉज हियर. तो सोशल कॉज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोशल मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फूड. आपने देखा होगा कई बार पैकेट्स पे लिखा होता है कि ये फूड इसलिए न्यूट्रिशन है बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा इतनी है, कैल्शियम की मात्रा इतनी है, फैट्स कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है.
तो कोई भी ऐसा मार्केटिंग प्रोग्राम, कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज को प्रमोट कर रहा है या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच वन ऑफ द सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम्स। कौन से सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे? तो बहुत अलग अलग टाइप के कैंपेन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जिनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। योर ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दैट कैंपेन इज वेरी डिफरेंट। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि आपको ऐसा दिखता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो कई जगह झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं, बट एक्चुअली उन्होंने झाड़ू कभी मारी भी नहीं होती है, वो एक्चुअली किसी और ने काम किया होता है। या पेड़ लगाओ आंदोलन के बारे में बात करें तो पेड़ कोई और लगा रहा होता है, माली लगा रहा होता है, उसको बाद में साइड में खड़ा कर दिया जाता है, एंड एक्चुअली द पॉलिटिशियंस आर क्लिकिंग पिक्चर्स अलोंग विद दैट। ठीक है, सो हर एक कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं तो किस टाइप का कैंपेन है ये, किस टाइप का सोशल मार्केटिंग कैंपेन है ये हमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस तरीके का लेवल है ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोफाइल का, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सम ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स, लेवल काफी अच्छा आता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ द कंसेप्ट्स। इज इट एक्शन कैंपेन, क्या ये आपको कह रहा है कि भाई आप तुरंत एक एक्शन ले लें? लेट्स से हम पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में जब बात करते हैं, वो एक एक्शन कैंपेन का एग्जाम्पल है कि आपको तुरंत कहा जा रहा है कि भाई टीका लगवा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बिहेवियरल कैंपेन, क्या आपके बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के बारे में बात हो रही है? फॉर एग्जाम्पल जब आप इलेक्शंस के लिए जाते हैं तो इट इज ऑल्सो एन एक्शन ओरिएंटेड एलिमेंट, ऑल्सो एक बिहेवियरल कैंपेन वहां पे इन्वॉल्व होता है, जहां पे आपको कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आप वोट दें। कुछ लोग अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बना के रख लेते हैं कि यार कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं करती तो हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। तो एक्शन ओरिएंटेड भी है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू गो एंड वोट, कास्ट योर वोट। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू टू चेंज योर बिहेवियर और माइंड सेट, तो वो बिहेवियरल कैंपेन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। वैल्यू कैंपेन्स क्या है? विच इज एडिंग वैल्यू टू योर नॉलेज और इन एनी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर राइट्स, यहां पे क्या हो रहा है, आपको वैल्यू क्रिएशन दी जा रही है कि पहले आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी तो आप उसका एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, यू आर नॉट एबल टू क्लेम एनी काइंड ऑफ रिड्रेसल, यू आर नॉट एबल टू क्लेम एनी काइंड ऑफ रिलीफ, बट नाउ सिंस यू आर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, अब आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई है, यू आर गोइंग टू एड वैल्यू, योर काइंड ऑफ अ वैल्यू इज बींग एडेड टू योर नॉलेज एंड अवेयरनेस, एंड देयरफॉर यू विल बी एबल टू यूज इट। लास्ट कॉग्निटिव कैंपेन्स, कॉग्निटिव का मतलब ही होता है कॉग्निशन, जिसका मतलब होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना किसी चीज को लेकर। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आप उस चीज को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, यू आर गोइंग टू टेक इट मोर सीरियसली। तो जब आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताया जाता है तो आपको समझ आता है यार ये तो हमारे फूड, हमारे डेली कंजम्पशन के लिए अच्छी चीज़ है, या फिर हमारे फूड के कंजम्पशन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। वेयर एज अगर आपको नहीं बताया जाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा तो होता है सिगरेट के ऊपर दैट इट कॉजेज कैंसर, बट मेनी अ टाइम्स वी इग्नोर इट। ठीक है, सो जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज कॉग्निटिव कैंपेन, उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को अलग ही लेवल पे लेके जाना और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो यहां पे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बताने की कोशिश हो रही है दिस वुड कम अंडर कॉग्निटिव कैंपेन्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, परफेक्ट, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू कंज्यूमरिज्म। अब मैंने आपको पहले भी बोला था दैट आई हैव सीन कि कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर क्लियर विद दीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कंज्यूमरिज्म के बारे में बात हो रही है, तो कंज्यूमरिज्म का बेसिक फंडा क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? ऑल दोज एक्शंस, ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर बीइंग अंडरटेकन टू एनहांस द नॉलेज, अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, अब उसके पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो क्या होता है, आप उन प्रोडक्ट्स को जाके परचेज कर लेते हैं या फिर कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कम किया जाता है तो क्या होता है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि उसके क्या राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो दैट इज वॉट कंज्यूमरिज्म इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कंज्यूमरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। ठीक है, कंज्यूमरिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस टू गारंटी एंड इंश्योर कंज्यूमर लेजिटिमेट राइट्स। ठीक है, तो कंज्यूमरिज्म एक मैनिफेस्टेशन है कि आप अभी तक बिजनेस ने फेल किया है, बिजनेस ने लोगों को अवेयर नहीं किया है, जिसकी वजह से उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, बहुत सारे अनएथिकल एक्ट्स हुए हैं। सो आइडियली एक तरीका है जिसकी वजह से, कंज्यूमरिज्म की वजह से कंज्यूमर को उनको लेजिटिमेट राइट्स पता हो चलेंगे। जैसे अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में बात करें तो वहाँ पे 6 एक्ट्स के बारे में स्पेसिफिकली बताया जाता है जो कंज्यूमर को अवेयर करते हैं। राइट टू चूज हो गया, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन हो गया, राइट टू सीक रिड्रेसल हो गया, राइट टू चॉइस हो गया, एंड सो ऑन। तो ये राइट्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है।
ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज इट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलोन, ठीक है। अब देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन लेके आता है, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट लेके आती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज वोट करती हैं, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर हम एग्जीक्यूशन के बारे में बात करें, तो जो एग्जीक्यूशन का काम है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों के उनके राइट्स बनाए जाएं, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, बिकॉज दे आर टेकिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट और दे आर टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी। बट क्या इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इज इट नॉट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल, therefore this statement is not correct, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत statement है। government has a role actually and therefore does have a role and therefore this is going to be our correct answer, ये हमारा correct answer हो जाएगा। but third and fourth statement भी एक बार पढ़ लेते हैं for your conceptual clarity। the consumer should accept consumerism as a means of asserting and enjoying their rights, consumers को उसका negative aspect नहीं देखना चाहिए कि यार बहुत सारे inferior products भी promote हो रहे हैं, हो जाते हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा advertisement हो गई, फिर company बाद में defunct हो गई। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, 2015 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी आई थी जिसने कहा कि हम 599 या 499 रुपए में लोगों को मोबाइल फ़ोन देंगे, लोगों ने भर भर के रजिस्ट्रेशन करी और बाद में कंपनी भाग गई, ठीक है। सो दैट इज़ अगेन अ नेगेटिव डायमेंशन ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उनको पॉजिटिवली देखना चाहिए एंड दे शुड इन्जॉय दीज राइट्स। फोर्थ एस्पेक्ट इज कंज्यूमरिज्म इवोल्यूशन इज नॉट अ सेटबैक फॉर मार्केटिंग बट रैदर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ एनलाइटेंड मार्केटिंग। Now this is a very important statement. I think अगर आप descriptive paper, किसी भी descriptive paper की तैयारी कर रहे हैं तो ये line आपके लिए बहुत काम आ सकती है कि जो consumerism है उसको एक evolution की तरह देखना चाहिए। अब marketing वाले बंदों को तो ये लगेगा ना कि यार हम तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे, confuse किया करते थे अपनी tricks से, अपने unethical means से, but अब consumerism की वजह से लोगों के अंदर awareness आ रही है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको rather ये सोचना है कि भाई एक अलग level पर development जा रही है, इसका मतलब अब हमें product में और ज़्यादा क्वालिटी लाने की जरूरत है या फिर कंज्यूमर को एक्सप्लेन करने के लिए और इनोवेटिव मेथड्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो कुछ कंपनियां होती हैं ना जो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ डील कर रही होती हैं। लेट्स से अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें जहां पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप देखेंगे एक दिन ह्यूंडई एक नया मॉडल निकालेगी, एक महीने बाद आपको खबर आ जाएगी कि टाटा ने निकाल दिया, उसके बाद आपको खबर आ जाएगी कि मारुति ने निकाल दिया। सो बहुत कॉम्पिटिशन है, उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। उस सिचुएशन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी शुड बी यूज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी कंपनी के लिए, ठीक है। इज इट गोइंग टू बी ट्रांसफर प्राइसिंग, इज इट गोइंग टू बी गोइंग रेट प्राइसिंग, इज इट गोइंग टू बी प्रोडक्ट बंडलिंग, या फिर इट इज गोइंग टू बी फुल कॉस्ट प्राइसिंग। डोंट वरी, मैं आपको चारों स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ बिकॉज ऑब्जेक्टिव हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का रहता है, हमेशा आंसर बताने का नहीं रहता। सो टिल द टाइम यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स, लेट्स अंडरस्टैंड दीज फोर टर्म्स, ठीक है। फुल कॉस्ट प्राइसिंग का क्या मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप डे वन से, जिस दिन आप मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर रहे हैं, योर ऑब्जेक्टिव इज टू कवर द इंटायर कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट आप छोड़ नहीं रहे। कई बार क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, इनिशियल लेवल पे अपने वेरिएबल कॉस्ट को जो वेरी करता है उसको कवर करके चलती हैं, बट फिक्स कॉस्ट को छोड़ देती हैं कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, अगर हम प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी इनकर्ड, ठीक है। तो ये एलिमेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि फुल कॉस्ट प्राइसिंग का मतलब है पूरी की पूरी कॉस्ट हमें कवर करके रखनी है और उसके बेसिस पे हमें प्राइसिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट बंडलिंग का क्या मतलब है, कई बार आपने देखा होगा ना कि इंडिविजुअल चॉकलेट्स 5-5 रुपए की मिल रही होती हैं, ठीक है, थीके? बट आप क्या करते हैं, जब फेस्टिवल्स आते हैं, वैलेंटाइन डे आता है, चिल्ड्रंस डे आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, एक बंडल बना दिया जाता है, उसके अंदर लेट्स से मफिन भी रखा हुआ है, चिप्स भी रखे हुए हैं, किटकैट भी रखी हुई है, पेस्ट्री भी रखी हुई है, व्हाटएवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का एक बंडल क्रिएट कर दिया गया, एक बकेट क्रिएट कर दिया गया है एंड उसका प्राइस जो है वो इन्फ्लेट कर दिया गया। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप एक चॉकलेट बॉक्स लेंगे और उसके अंदर इंडिविजुअली चॉकलेट्स की प्राइस मेजर करेंगे तो वो शायद 60% या 70% ऑफ द टोटल वैल्यू भी नहीं आने वाली है। सो दैट इज हाउ द मार्केटिंग इज बीइंग डन, और प्रोडक्ट को बंडल करके उसके प्राइस को इन्हांस कर दिया जाता है बिकॉज यू फील यार कौन उतनी मेहनत करे, हम खुद से पैकेज करेंगे, इसी को उठा के दे देंगे किसी को गिफ्ट में, ठीक है, एंड दैट इज वॉट प्रोडक्ट बंडलिंग इज ऑल अबाउट। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, ये भी यहाँ पे सूटेबल नहीं है और फुल कॉस्ट प्राइसिंग भी सूटेबल नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग कब होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रांसफर प्राइसिंग कब होता है? जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट को भेजा जाता है. लेट से एक कंपनी है, एक कंपनी बना लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, और इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं. लेट से एक ए डिपार्टमेंट है, ठीक है, ब्रांच कह लीजिए, डिपार्टमेंट कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है. ये दो अलग अलग ब्रांचेज हैं जो लेट से अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हैं या अलग अलग सिटीज में. अब क्या हो रहा है, बी को शॉर्टेज हो गई है किसी एक गुड की, बट इसके बाद एक बहुत अच्छा ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, 5000 यूनिट्स का ऑर्डर आया हुआ है, और इसके बाद 3000 यूनिट्स तो हैं, बट इसके बाद 2000 यूनिट जो है वो शॉर्टेज हो गई है, ठीक है. अब ये क्या करता है, अब ये 2000 यूनिट्स यहां से मंगा लेता है, ठीक है. ए जो उसका ब्रांच है उससे कहता है, यार हमारे पास भिजवा दो, हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, वरना कंपनी का नुकसान हो जाएगा, ठीक है. सो जब ये एक दूसरे को सेल करेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस पे नहीं सेल करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू सेल एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है. व्हाट आर दे गोइंग टू सेल, दे आर गोइंग टू सेल एट द ट्रांसफर प्राइस. और वो ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, अज्यूमिंग कि ए ने उसको मार्केट में सेल किया. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि कल को जब इस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे या इस डिपार्टमेंट का एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट होगा कि भाई कितना इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, इट विल बिकम अ मिसलीडिंग एस्पेक्ट. क्यों? क्योंकि उनकी पूरी वैल्यूएशन जो होगी यूनिट्स की वो होगी उसके मार्केट प्राइस पे, जबकि जो जो डिपार्टमेंट को भेजा है, जो बी डिपार्टमेंट को भेजा है या बी ब्रांच को भेजा है, वहां पे उन्होंने प्रॉपरली प्राइसिंग नहीं करी है. तो जस्ट इन ऑर्डर टू कीप इट वेरी ट्रांसपेरेंट, इसको एक और टर्म यूज किया जाता है फाइनेंस या अकाउंटिंग के कंसेप्ट में, जिसे हम कहते हैं आर्म लेंथ प्राइसिंग. आपको इस तरीके से प्राइसिंग करनी है जैसे आपने किसी थर्ड पार्टी को सेल किया है. थर्ड पार्टी को सेल करते हैं तो कोई रियायत देते हैं क्या? हम उसी तरीके से सेल करते हैं ना, जिस तरीके से प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके. सेम ऑब्जेक्टिव रख के हम अपने डिपार्टमेंट को सेल करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है. तो यहाँ पे ये भी मेथड नहीं फॉलो हो रहा, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी गोइंग रेट प्राइसिंग. बेस्ट एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल्स का. जैसे मैंने कहा कि जो भी सेम टाइप की कार्स हैं या सेम टाइप के मॉडल्स हैं, उनका जो प्राइस रेंज होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है. 6 लाख की गाड़ियां हैं तो आपको ह्यूंडई की भी 6 लाख की गाड़ी मिलेगी सेम फीचर्स की के साथ, सेम बजाज की भी मिलेगी, सॉरी सेम टाटा की भी मिलेगी, एंड सेम मारुति सुजुकी की भी मिलेगी, ठीक है, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू लूज आउट द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ठीक है. तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन. सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. द टैंजिबल गुड्स फॉर विच अ कंज्यूमर वॉन्ट्स टू कंपेयर क्वालिटी, प्राइस एंड परहैप्स स्टाइल इन सेवरल स्टोर्स बिफोर मेकिंग अ परचेज आर कॉल्ड. कौन से टॉपिक से क्वेश्चन? प्रोडक्ट. हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. तो आपको बताना है वो टैंजिबल गुड जहाँ पे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा मोलभाव करता है प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, अलग अलग डिफरेंट वर्जन्स देखता है, अलग अलग फीचर्स देखता है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट है. आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन और आपको ये आना चाहिए. कन्वीनियंस गुड्स. कन्वीनियंस गुड्स क्या हो गए? जो आप डेली कंजम्पशन करते हैं. लेट्स से मैंने बात कर ली टूथपेस्ट के बारे में, तो आप क्या करते हैं, जाते हैं आपको, लेट्स से आपको मिसवाक का पसंद आने लग गया या आपको कोलगेट पसंद आने लग गया, आप जाते हैं और आप कहते हैं भैया कोलगेट दे दो. कोई मोल भाव नहीं प्राइस में, आपको पता है स्टैंडर्डाइज प्राइस है, और कोई आप अलग अलग ब्रांड्स देखते भी नहीं, यू आर नॉट कंपेयरिंग द क्वालिटी, ठीक है. स्पेशलिटी गुड्स लाइक सच एज डायमंड्स, ठीक है. अब जब आप डायमंड लेने जाते हैं तो आप कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है. यू नो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग. या लेट से आप किसी एग्जीबिशन से कोई पेंटिंग खरीद रहे हैं और एम एफ हुसैन साहब की पेंटिंग है या फिर किसी और पब्लिश्ड आर्टिस्ट की पेंटिंग है, यू नॉट गोइंग टू मेक अ कंपैरिजन. यू नो कि भाई इट्स अ वेरी यूनिक एंटीक स्पेशल प्रोडक्ट, तो इसको हमको मोलभाव नहीं करना है. जितने में मिल रहा है वो एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ एन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, या फिर हमारे लिए स्टेटस सिंबल है इसलिए हम इसको परचेज कर रहे हैं, ठीक है. अनसॉर्ट गुड्स क्या होते हैं? जिनके लिए कुछ आप थॉटफुल होकर नहीं परचेज करते, ठीक है, अनसॉर्टेड होते हैं ये. लेट से आपको कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ गई तो आप जाते हैं और अचानक से परचेज कर लेते हैं और भगवान से मनाते हैं भाई दोबारा ये परचेज करने की जरूरत ना पड़े. और किसी को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तबीयत किसी की ना खराब हो तो जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है. इसलिए इनको अनसॉर्टेड गुड्स कहते हैं, नॉट सॉर्ट आफ्टर. आप उसके पीछे जाते नहीं हो, डू नॉट लुक आफ्टर टू इट कि यार इसको परचेज करना है. शॉपिंग गुड्स क्या होते हैं? जो आप टीवी हो गया, एसी हो गया, जहां पे आप कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद मोल भाव करके फीचर्स देख के क्वालिटी देख के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है. सो द लास्ट क्वेश्चन आंसर इज गोइंग टू बी शॉपिंग गुड, ठीक है. दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. प्लीज लगातार तैयारी करते रहिए, कभी भी आपका एग्जाम आ सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है. सो इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली प्रिपेयरिंग इवन विद दीज सेशंस, तो एटलीस्ट आपको रिविजन होता रहेगा, ठीक है. दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन सैटरडे 2 PM शार्प, ताकि एटलीस्ट आपका मार्केटिंग का सिलेबस हम कवर करते रहें, ठीक है. दैट वॉज ऑल. टेक केयर एंड बाय बाय.